जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूटी एक्सपर्ट दानिया खान, जिनसे हम बात कर रहे हैं ब्यूटी के हवाले से। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि हम हमारे किचन में मौजूद हैं शेफ़ नौरीन और असिस्टेंट शेफ़ फरा। ये आज बड़ी ज़बरदस्त सी डिश बना रही हैं जी। क्या पोजिशन है शेफ़ नौरीन? सर सब कुछ रेडी है, सिर्फ हमें सालसा बनाना है। यू हैव टू मेक सालसा जी। चिकन भी ग्रिल हो गया है, बस हमें सालसा बनाना है। अच्छा ये बताएं दानिया, आपको सैलड्स पसंद है? इटालियन या मैक्सिकन डिशेस पसंद है आपको? इटालियन बेसिकली थोड़ी बहुत, एक्चुअली मैं बहुत कम ही खाती हूँ, तो मैं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस चेक लेती हूँ। ओके जी, तो नौरीन के पास जाना चाहेंगे जी। नौरीन बताएं क्या आप किस तरीके से बाकी प्रिपरेशन की जाएगी? बस सर अब मुझे इसमें मिक्सअप करना है सारे जूलियंस। अच्छा जी, तो अब इसके अंदर ये जो कटिंग हुई हुई है उसको आप मिक्सअप कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अनियंस डालूंगी इसमें। जी अनियन हम मिक्स कर रहे हैं, अनियन डाल रहे हैं, और उसके बाद क्यूकम्बर्स, ये खीरा जो आपने जी जूलियन जो जूलियन कटिंग है, मैंगो हम एंड में डालेंगे। अब इसके बाद आएगा आपका रेड बेल पेपर्स, यानी ये जो शिमला मिर्च लाल कलर की जो जी लाल कलर की शिमला मिर्च। एंड देन इसमें आएगा स्प्रिंग अनियंस, जिसे हम हरी प्याज कहते हैं। हरी प्याज एग्जैक्टली, ये थोड़ा हमने रख लिया ऊपर ऑन द टॉप, इस पे डाल देंगे। और एंड में आएगा ये मैंगो जूलियन। थोड़ा सा अगर आप बोल को टिल्ट करके दिखा भी देना जी, जी ताकि नजर भी आता रहे। इसमें मैंगो जाएगा, ओके। अच्छा अब जो है ये हो गया, अब इसमें मैं डालूंगी फिश सॉस। फिश सॉस है जी, स्मेल बिल्कुल फिश वाली आ रही है जी। इसमें जाएगा 1-2 टीस्पून, ओके, ऑलमोस्ट 2 टीस्पून। ये आपने फिश सॉस ऐड कर दिया। इसके बाद जाएगा पिंच रेड क्रश्ड चिलीज, ओके, पिंच सुर्ख मिर्चें जो होती हैं ये कुटी हुई जिसे हम कहते हैं। सॉल्ट भी जाएगा पिंच, ओके, टर्मेरिक भी जाएगा पिंच। अच्छा इसमें टर्मेरिक पिंच डालते जी, हैं जी डालते हैं। और इसमें जाएगा ब्लैक पेपर भी पिंच, ओके, एंड अ डैश ऑफ थोड़ा सा लेमन जूस, हम इसको स्क्वीज कर देंगे जी, लेमन जूस के भी डालेंगे थोड़े से इसमें जाएगा, ओके। अब हम इसको मिक्स करेंगे जी, स्पैचुला से मिक्स करेंगे। तो अनियन का एक अलग ही टेस्ट आएगा मैंगो के साथ, एग्जैक्टली, स्वीट एंड सावर थोड़ा सा। ये इसको हम इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं, ये सालसा, या दिस इज सालसा। म्यूजिक भी तो होता है एक सालसा, सो डांस भी होता है एक सालसा, डांस भी है ना सब। हां चलिए ये हमारा डांस होने की आवाज आ रही है, मुझे बिल्कुल याद आ गया सालसा, सालसा याद आ गया ना, बस यही मैं याद कराना चाह रहा था। मुझे नौरीन से एक क्वेश्चन पूछना है। या ये इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में ये चीजें सारी, फिश सॉस? या इट्स वेरी मच, आधी से ज्यादा चीजें नौरीन अपने साथ साउथ अफ्रीका से लेके आई हैं। अच्छा हां अवेलेबल इन एवरी सुपरमार्केट, यू कैन गो एंड जस्ट यू कैन गेट इट। ओके अच्छा, ये जो ग्रिल्ड चिकन है इसको आपने अलग कर लिया है? यस, अब मैं इसको प्लेटिंग करूंगी जी। प्लैटर आपके पास मौजूद है ऑलरेडी? जी प्लैटर मेरे पास है जी। ओके अब इसके अंदर व्हाट आई विल डू, इसको तरीके से आप डाल रही हैं ताकि सारे चंक्स इसके अंदर आ जाएं। जी एग्जैक्टली, ये अनियंस भी इसमें आते जा रहे हैं और अनियंस आते जा रही हैं और मैंगो बेल पेपर्स। अच्छा बेल पेपर्स वैसे इतने स्पाइसी नहीं होते लेकिन इनका एक अरोमा होता है। Exactly, it tastes really good. बहुत अच्छा लगता है ये। इसी तरह जैसे हरी मिर्चें होती हैं ना, उसी तरह हरी मिर्चें भी लाल वाली आती हैं ना। सर क्योंकि बेल पेपर का जो जो हमारे जितने भी कलर्स की होती हैं वो कलर्स के हिसाब से उसका टेस्ट उस पर डिपेंड करता है। अच्छा अगर इसमें हम येलो बेल पेपर यूज करेंगे तो उसका टेस्ट एंड फ्लेवर हमें बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। अच्छा ये अब ग्रिल्ड चिकन के जो क्यूब्स हैं ये आपने इसके ऊपर, अच्छा इस चिकन को ग्रिल करते हुए जो है
साथ साथ थोड़ा ऑयल भी यूज़ किया गया है ना? यस सर, उसको ब्रशिंग करना पड़ता है थोड़ा सा, इसका जो मार्क्स होते हैं वो आते हैं। अच्छा, ग्रिल पैन के जो ग्रिल मार्क्स होते हैं वो आते हैं। ओके ओके, नाउ ऑन द टॉप पार्सली। अच्छा, ग्रीन कलर हर डिश को एनहांस एनहांस कर देता है, और ऑरेंज प्लेटर हो तो ग्रीन कलर और ज्यादा एनहांस हो जाता है। थोड़ी सी इसके अंदर आप ये स्प्रिंग अनियंस डाल देंगे। दिस इज रेडी। ये रेडी है। ओके, तो ये दानिया हमारी जो आज की डिश है ये रेडी है। ये है मैंगो सालसा, ये ग्रिल चिकन के साथ है। और मैंगो जो है ना नाज़रीन, हर किसी को आजकल के मौसम में ख़ास तौर पे बहुत पसंद होता है, और चूँकि गर्मियों का मौसम जब पाकिस्तान में आता है तो हर शख्स जो है ना, कोई भी मेरे ख्याल में मैंगो खाए बगैर रह नहीं सकता। ये तो है। तो आपको चिकन ज़्यादा पसंद है या बीफ या मटन, क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है? बेसिकली मैं ज़्यादा मीट खाती नहीं हूँ, लेकिन वेजिटेरियन भी नहीं, बेसिकली ज्यादा राइस पसंद है मुझे। तो राइस कोई भी राइस हो मैं वो खाती हूँ, लेकिन चिकन मोस्टली खा लेती हूँ मैं। अब मेरे ख्याल में एक फरमाइश आ गई है, अब कोई ना कोई राइस की डिश बननी चाहिए। ओके, शेफ नौरीन जो है ना हमारी, वो डिफरेंट डिफरेंट डिशेस लेकर आती हैं। आपका तो दिल भर जाता होगा ये सब बना बना के। नहीं, ड्यूरिंग द शो इनको एक्चुअली शेफ नौरीन को फ्रूट्स का बड़ा शौक है। अच्छा। एक दिन वही हमारे अगले शो के लिए जो चेरीज आई हुई थी ना, स्ट्रॉबेरीज थी, मेरे स्ट्रॉबेरीज आई हुई थी, तो वो जाते जाते मैंने कहा ये स्ट्रॉबेरीज बच जाएंगी, ये आज ये वाला शो तो हमारा हो नहीं रहा। कहते नहीं नहीं, ये तो मैं वैसे ही खा जाऊंगी, करने की जरूरत ही नहीं। ये ज्यादा अच्छा है। आपकी स्किन तो अच्छी रहती है, आपकी डाइट आपकी अच्छी हो रही होती है, आप एक फाइबर ले रहे हैं, आप पूरा फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, तो ये ज्यादा अच्छा, इन सब चीजों से मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। फ्रूट ज्यादा बेहतर है, हम लोग सारे फ्रूट बैठ के खाएंगे। अच्छा, तो ये माशाल्लाह बहुत जबरदस्त देख रही है, लेकिन अगर हमें एक एक फोर्क भी मिल जाए ना, तो इसको एटलीस्ट चेक करके देख लेंगे कि ये है कैसा, और फिर ये भी पता लग जाएगा कि बगैर चखे जो डिश बनाई जाती है वो कैसी होती है। आप चाहें तो ट्राई कर सकती हैं इसे दानिया, या हाँ यू कैन चेक इट। बहरहाल अब देखना यही होगा कि आया अच्छी बनी है। सालसा एंड चिकन को साथ खाइएगा, दोनों को साथ खाना पड़ेगा। दोनों को साथ बहुत मुश्किल है, बहुत जूलियन है, बहुत मुश्किल काम है ये तो। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, ये अलग अलग ही खा सकते हैं आप, आई थिंक साथ नहीं खा सकते। हाउ इज इट लाइक? अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट टेस्ट है। सॉस थोड़ा सा मैंगो का भी टेस्ट आ रहा है, इट्स स्वीट एंड साउर, बिल्कुल बूटी जैसा भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है बिल्कुल, और बहुत अच्छी वो हुई हुई है, ये जो चिकन है मैरिनेट बहुत अच्छी मैरिनेट भी हुई, सॉफ्ट सी है, बहुत टेंडर है, और जैसे एक हम नॉर्मली किसी बारबेक्यू रेस्टोरेंट पे जाते हैं या जैसे सीख कबाब वाले के पास जाते हैं, तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर इसका बेहतर है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा। आप लोग जब ये इसको मैरिनेट करते हैं नॉरिन, तो इसको क्या फ्रिज में रखते हैं या आप नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी रख सकते हैं? क्लिंग फिल्म करके हमें रेफ्रिजरेट करना पड़ता है, फ्रिज में रखते हैं जी, उससे ज्यादा बेहतर रहता है ताकि गोश्त खराब ना, जूसी बनती है, कोई खराब भी नहीं होता। इट्स बिकॉज़ इट्स समर्स, तो फिर बाहर रखेंगे तो। एक और चीज बता दीजिएगा नाज़रीन को, बताना चाहूंगा, लोग फ्रिज में ओपन चीजें रख देते हैं, उसकी वजह से उसकी जो उसके अंदर जो उसकी नमी होती है ना, वो पूरी फ्रिज चूस लेता है। तो क्या जब भी हम फ्रिज में रखते हैं चीज़ों को सील्ड रखना चाहिए, फॉइल पेपर में रखना चाहिए, या ये जो आपके सेलोफेन ज़िपलॉक बैग्स आते हैं, किस तरह रखना चाहिए? सर जो जैसे हमें अगर कुछ बनाना है रेडी टू, यू नो वी हैव टू कुक, तो हमें वो क्लिंग फिल्म करके रखना है। अगर रात को बनाना है तो दोपहर को हमें वी हैव टू कवर्ड, हमें खुला नहीं रखता, वो स्मेल हो जाती है फ्रिज में, और फिर बैक्टीरियाज भी आते हैं ऑफ कोर्स, तो वी हैव टू कवर ऑल द थिंग्स। और हमें कोई फ्रीज करनी है तो वी हैव टू जिप लॉक बैग में हमको फ्रीज उसी में करना होता है, हमें ऐसे ही कुछ लोग तो प्लास्टिक में रख देते हैं, तो दैट्स नॉट गुड। तो ऑलवेज यूज जिप लॉक बैग, जो भी आपने फ्रोजन चीजें रखनी होती है फिर आप उनको फ्रीज कर सकते हैं। ओके
दानिया, चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, कोई टिप जो ब्यूटी और मेकअप के हवाले से आप देना चाहें? देखिए, मैं तो अभी यही बोलूँगी कि समर्स का सीज़न है और अभी ब्राइड का आगे जैसे ब्राइडल मेकअप वगैरह सब के लिए लड़कियाँ जो तैयार होने जाएंगी, तो थोड़ी सी अपने अंदर अवेयरनेस लाएं, अपनी चीज़ों की नॉलेज बढ़ाएं. और जैसे कुछ ब्यूटिशियंस हैं जो मतलब हैवी मेकअप वगैरह कर रहे होते हैं, आप बिल्कुल उन पर रख के छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना करें. थोड़ा सा अपने अंदर ये चीज़ लाएं कि हमें थोपा नहीं जाए, हम बिल्कुल नेचुरल जैसे हम हैं, अपनी खूबसूरती उस तरह नज़र आए, उस तरह नज़र आए. थोड़े न्यूट्रल टोन्स पे रख के करें. और नो मेकअप लुक मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, वो थोड़े अच्छा डिसेंसी देता है, पता भी नहीं चले और बहुत अच्छा फ्रेश लुक आता है. तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि लोगों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि थुपे हुए मेकअप की जगह वो थोड़ा प्रेफर करें कि आप हल्के से हल्के मेकअप पे जाएं और अपनी स्किन और अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें. ओके, बहुत शुक्रिया दानिया, आप आई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. शेफ़ नौरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. वेलकम सर. बहुत ज़बरदस्त सी डिश बनाई है आपने. उम्मीद करते हैं कि जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी ये डिश पसंद आएगी. फरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी भी बड़ी मेहनत शामिल होती है इसमें. नज़र, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, ख़ासतौर पर रेसिपी पसंद आई होगी, दानिया की बातें पसंद आई होंगी. अब मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़.